आगामी त्योहारों के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक के दौरान एसएसपी मुरादाबाद हेमराज मीना द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। मुरादाबाद की सदर तहसील में मौजूद रहे एसएसपी हेमराज मीना द्वारा बताया गया कि सावन के त्योहार के मद्देनजर रूट को डायवर्ट किया गया है। ऐसे में जनमानस से भी अपील की जा रही है कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांवड़ यात्रियों से भी अपील की है कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन निर्देशों का पालन करें। कांवड़ यात्रा सभी की आस्था का प्रतीक है, सेवा भाव और ईश्वर की भक्ति में लीन होकर धार्मिक मान्यताओं को किया जाता है। हमें ऐसी बातों से बचना चाहिए जिससे माहौल खराब न हो। रूट डायवर्जन को लेकर जब एसएसपी हेमराज मीना से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मुरादाबाद से हरिद्वार को जाने वाले मार्ग पर कांवड़ यात्रा के दौरान भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा, रूट को डायवर्ट किया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर जनमानस से अपील की जा रही है कि सभी लोग सहयोग करें और मानवता का परिचय दें। देखिए, अभी सभी को पता है आपको कि 4 तारीख से जो कांवड़ का त्योहार है वो शुरू होने वाला है और इसमें अब भारी संख्या में लोग जो गढ़मुक्तेश्वर और हरिद्वार से कांवड़ लेके आते हैं और दोनों जगह से जो कांवड़ यात्री है वो मुरादाबाद में एंटर करते हैं। तो इसके लिए कांठ से लेकर मुरादाबाद सिटी तक और इधर फिर पाकवाड़ा थाना से लेके मूड़ा पांडे तक का जो हमारा पूरा एरिया है वो कांवड़ यात्रा से उस समय चलती है, उस समय उसके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है। पर्याप्त मात्रा में जो पुलिस व्यवस्था है वो करते हुए और एक सुरक्षित माहौल में कांवड़ का जो त्यौहार है उसको संपन्न कराया जाएगा और इसके लिए सारी व्यवस्थाएं वो ग्राउंड लेवल पे की जा रही है। अपील क्या रहेगी सर? मेरा आप सब के माध्यम से यही अपील रहेगा कि जो कांवड़ यात्री आ रहे हैं उन सबकी सभी लोग उनको सहूलियत प्रदान करें और जो कांवड़ लेने जा रहे हैं उन लोगों से भी कहना है कि साथ में जाते टाइम पे अपने साथ में अपनी आईडी लेके जाएं, जैसे कि आकस्मिकता की स्थिति में आपके साथ में यदि कोई घटना होती है तो आपको तत्काल जो रिलीफ मिले। और इसके अलावा जो कांवड़ है वो किसी भी दशा में 12 फीट से ऊंची ना हो, क्योंकि रास्ते में कई जगह हाई टेंशन लाइन है, कई जगह रेलवे क्रॉसिंग्स है तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और इसके अलावा जो डीजे है उसका जो निर्धारित डेसिमल है उसी पे ही लोग उसका चलाएं, कोई इस तरह की चीज़ें ना करें जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो। और बाकी सभी लोगों से कहना है कि इस समय कुछ रूट डाइवर्जेंस भी रहेंगे उसको ध्यान में रखते हुए जो विशेष तौर से जो फ्राइडे से लेकर मंडे तक रूट जो बड़ी बड़े वाहन और जो फोर व्हीलर है उनको डाइवर्ट किया जाएगा। तो उस समय जब भी कहीं बाहर जाने के लिए निकलें तो रूट डाइवर्जन जो प्लान है उसके बारे में जानकारी लेकर ही बाहर निकले, जिससे कि किसी प्रकार की आप लोगों को असुविधा ना हो।